खनिया थाना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की दो मिष्ठान भंडार पर सैंपलिंग की कार्रवाई। कार्रवाई में दोनों मिष्ठान भंडार से 12 घरेलू गैस सिलेंडर भी मिले। खनिया थाना नगर में आखिर 3 दिन से खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जीएसटी टीम के आने की खबर से हो रहे मार्केट बंद का आज खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई कर खबर को सही कर दिया। खनिया थाना नहर में आज भी खाद्य सुरक्षा टीम एवं जीएसटी टीम के आने की खबर के चलते पहले ही पूरा मार्केट ही बंद हो गया। लेट सही पर आज खाद्य विभाग की टीम आते ही सोनी मिष्ठान भंडार एवं राजू मिष्ठान भंडार पर छापा मारा, जिसमें खाद्य अधिकारी द्वारा मिष्ठान चटनी आदि के सैंपल लिए गए। जहां मिठाई एवं अन्य खाने पीने की सामग्री बनाई जा रही थी, वहां से तेल आदि के सैंपल लिए गए। सोनी मिष्ठान भंडार संचालक के पास से 4 घरेलू सिलेंडर जो खाली थे एवं राजू मिष्ठान भंडार से 8 घरेलू सिलेंडर जो भरे हुए थे गोदाम से जब्त किए गए, जिन पर फूड इंस्पेक्टर को बुलवाकर कार्रवाई की गई। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 साल में एक ही दुकानदार पर 7वीं बार कार्रवाई की गई। नगर में करीब 20 मिष्ठान भंडार है जिन पर मिठाई, समोसे, कचौरी आदि की बिक्री की जाती है, मगर जब कार्रवाई की बारी आती है तो केवल 1-2 ही दुकानदार के सैंपल को भरा जाता है। कार्रवाई करने केबल एवं अधिकारी पहुंचे जिनको एक ही दुकान के यहां पूरा समय निकल गया, बाकी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। पिछले 3-4 दिनों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में लगातार कार्रवाई कर दुकानदारों के सैंपल भरे जा रहे हैं और जिन दुकानदारों के पास से अमानक सामान मिल रहा है उन दुकानदारों के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं। नगर में आज भी किसी ने सुबह से फूड इंस्पेक्टर एवं जीएसटी की टीम के आने की खबर फैला दी, जिससे नगर के किसान, व्यवसायी, होटल संचालक, कपड़ा व्यापारी, मेडिकल संचालक, दूध डेयरी आदि सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी शटर गिरा दी। ठेलों पर बिक रहा केमिकल युक्त सॉस, नगर में 4 चपाती ठेला संचालकों के पास केमिकल युक्त सॉस ग्राहकों को परोसा जा रहा है। इन ग्राहकों में सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यह सॉस की 5 लीटर की कैन केवल 200 रुपए में मिलती है, जिसमें सॉस के नाम पर केवल केमिकल और सेंट और कलर होता है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में कठोर कार्रवाई कर रहा है। मिलावट खोरों को पकड़ने के लिए सघन जांच अभियान जिला शिवपुरी में कलेक्टर महोदय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए हैं यहाँ पे शिवपुरी में, जो लगातार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। भाई वो तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आज यहाँ पे आपके खनिया थाना में 2 प्रतिष्ठानों में कार्रवाई हुई है। इनका जो खाद्यान्न सामग्री आपने जब्त की है, उनको फेंकने का अभी आदेश ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी माना कमाना का क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, एक प्रतिष्ठान जो सोनी प्रतिष्ठान है उसमें मिठाइयाँ अत्यंत दुर्गंध युक्त स्थल पर रखी गई थी, जिसे को खाने से किसी भी प्रकार की गंभीर मानव हानि हो सकती है, इसलिए मौके पर उसको नष्ट करवाया गया है। भंडार की दुकानों पर कार्रवाई की गई है, आज क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एवं एसडीएम महोदय के निर्देशन में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, राजू मिष्ठान भंडार एवं सोनी मिष्ठान भंडार, जहाँ पर अनियमितताएं भी मिली एवं कुछ सिलेंडर भी प्राप्त हुए हैं। कितने सिलेंडर प्राप्त हुए? सोनी मिष्ठान भंडार से 4 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जो घरेलू सिलेंडर थे, और राजू मिष्ठान भंडार से 8 प्राप्त हुए हैं, वो भी घरेलू सिलेंडर थे। सर, इसमें सर जो मिठाइयां हैं, हाँ, नष्ट भी किया गया कि सैंपल ले गए? हाँ, सोनी मिष्ठान भंडार से कुछ दूषित मिठाइयां प्रतीत हुई थी, जिन्हें विनष्ट करवा दिया गया है नगर परिषद के माध्यम से।